थैंक यू मंगेश जी पाटिल, शिरौली गांव, उनका आवाज़ सुनते नजर आया आपको, कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का स्वागत एक बार फिर स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2023 में मैच शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते कोहली कोपर वर्सेज कृषा 11 चिरनेर के बीच। टॉस जीता यहाँ पर प्रथमेश ने, कोहली कोपर टीम ने, और पहले 5 ओवर के मैच में फील्डिंग करने का निर्णय उनका यहाँ पर लिया गया। अमोल पाटिल नई बॉल के साथ बॉलिंग की शुरुआत करेंगे, स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन लेफ्ट हैंडर ऋषि और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल बैटिंग करने के लिए उतरे। चिरनेर टीम की तरफ से भन्नाट फॉर्म में चल रही है कोहली कोपर टीम की अगर बात करें तो, खासतौर पर खानों में चैंपियन रही है टीम, एक बड़ा प्रतियोगिता। और गोविंदा पवार, आप देख सकते जो गोविंदा पाटिल उनको यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक मिला वहाँ पर, साथ ही साथ पिछले हफ्ते ओले में गोल्डन ट्रॉफी में रनर अप रही टीम। कसलखंड गांव में जो ट्रॉफी रखी गई थी वहां पर भी चैंपियन बनी टीम। आज किस प्रकार प्रदर्शन होगा देखना दिलचस्प। वेरी फर्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, मैदान छोटा है, बल्लेबाज के बैट से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रन। शुरुआत अच्छी चिरने टीम के लिए, और अमोल को भी थोड़ा सा ये मैसेज गया, अलर्ट गया है कि इस मैदान पर फुल टॉस गेंद डालना यहां पर हानिकारक है। स्ट्राइक एंड पर साहिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर ऋषि, साहिल के बैट से निकलता हुआ सिक्सर, वेरी फर्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रन। अमोल पाटिल नई बॉल लेकर एक बार फिर तैयार, ये बेहतर लेंथ, गुड लेंथ पर इस बार थोड़ा सा गेंद सरप्राइज बाउंस लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंचा। कोहली कोपर टीम ने पहले प्रथमेश ने टॉस जीता, उनका निर्णय हम पहले फील्डिंग करेंगे इस 5 ओवर के मैच में। चिन्हे टीम को कम से कम रनों पर रोकने की भरपूर कोशिश रहेगी, लेकिन चिन्हे टीम के द्वारा साहिल ने यहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को। अगली बॉल अमोल की, ये शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ का इस्तेमाल किया, हवा में बॉल, गेंद के नीचे प्रथमेश, कप्तान ने कोई गलती नहीं की शॉट में विकेट के रीजन में, और पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अमोल पाटिल अपनी टीम कोहली कोपर टीम को, कृषा 11 चिन्हे टीम को लगता हुआ पहला धक्का, साहिल आउट होते हुए 6 के स्कोर पर, और 6 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ। एक्शन रिप्ले देखिए, आसान था नहीं बिल्कुल इस तरह का कैच पकड़ना, जजमेंट देखिए, गेंद के ऊपर निगाह बिल्कुल सटीक, और एक अच्छा कैच प्रथमेश द्वारा। साहिल आउट होते हुए 6 के स्कोर पर, और 6 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। नए बैट्समैन जा रहे मेघराज, एक्सपीरियंस अनुभव खिलाड़ी, इन एट नंबर 3 पर आज प्रतीक 11 सुरंगपाड़ा टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर आज का खड़ा किया उन्होंने, पहला कारनामा किया यंग स्टार नारपोली टीम ने अगेंस्ट गांव देवी शिरव ने, और पिछले मैच में उन्होंने कोमरभुजी टीम के खिलाफ कीर्तिमान हासिल किया, 84 रन बनाए और 85 का टारगेट चेज नहीं हो पाया, और पहले से ही मुश्किल नजर आ रहा था 85 रन 5 ओवर में बनाना इस मैदान पर थोड़ा सा कठिन है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी पड़ेगी, प्रति ओवर ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 रन बनाने होंगे तब जाकर आप 85 जैसा स्कोर चेस कर पाते थे, लेकिन सुरंगपाड़ा टीम ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन उनके लिए एक सबक की सीख एक ही है कि उनको फील्डिंग में सुधार करना पड़ेगा, फील्डिंग में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा अगले मैच में जब इस मैच की विजेता टीम के साथ खेलेंगे। अमोल अगली बॉल लेकर तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार भी मौका बन सकता है, शायद खुद गेंद के नीचे जाएंगे, कॉल दिया कैच का, कॉट एंड बोल्ड, वेल डन अमोल पाटिल, अनदर विकेट, एक और सफलता यहां पर उनके खाते में। मेघराज आए लेकिन उनका राज चलने दिया नहीं यहां पर गेंदबाज अमोल ने, इसलिए कहते हर खिलाड़ी का है मोल, जो जरूरतमंद पर काम आए वो सबसे अनमोल। कमाल का कैच था, यह बिल्कुल आसान था नहीं, प्रथमेश खुद तैयार थे लेकिन कॉल दिया यहां पर अमोल ने, इट्स माइन, और उन्होंने कैच को लपका, 6-2 है अब कृषा 11 चिरनेर टीम। इन एट नंबर 4 पर अब यश जा रहे हैं चिरनेर टीम के लिए, हालत थोड़ी सी पस्त नजर आ रही है, और कोहली कोपर इस वक्त मस्त नजर आ रही है क्योंकि 6-2 उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट चटका चुके, 2 बड़े झटके दिए, मेघराज का विकेट, उससे पहले आप देख सकते हैं साहिल जो 6 रन बनाकर आउट हुए पहली बॉल पर 6 रन, उसके बाद इस तरह का बैटिंग में प्रदर्शन कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन माना जाएगा चिरनेर टीम के लिए, संभल कर बैटिंग करना होगा। अमोल की अगली बॉल, तीखा बाउंसर था जरूर लेकिन दिशा थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, और सत्यवन सर का इशारा, ये वाइड है, एक्स्ट्रा 1 रन की वृद्धि होती हुई बैटिंग टीम के लिए।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर। अमोल पाटिल बढ़िया ओवर इनका गुजरता हुआ, नई बॉल के साथ 2 विकेट अब तक चटका चुके, इस बार भी हुक किया लेकिन थोड़ा सा आगे गिरा। वहां पर आप देख सकते अमर पवार मौजूद थे गेंद को फील्ड करने के लिए शॉर्ट फाइन, लेकिन रीजन में एक और डॉट बॉल। ये बढ़िया ओवर गुजरा है कोहली कोपर के समर्थक, उनकी टीम अब तक खुश होगी इस पहले ओवर के प्रदर्शन से। जिस प्रकार पहला ओवर गुजरा है लगातार वेरिएशन बॉलिंग में, जितनी भी गेंदें ऑलमोस्ट डाली है गुड लेंथ से गेंद को यहाँ पर पिच करा रहे हैं यहाँ पर अमोल, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत है और उनको पता है इस पिच पर कैसी बॉलिंग करनी चाहिए। इस बार ऑलमोस्ट हाथ में बॉल आ गया था, कैच ड्रॉप हुआ है अमर पवार से, शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े थे, धीमा बाउंसर था, इसे गाइड करना चाह रहे थे बैटर, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर था, कैच पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन तीसरी सफलता जहां मिल सकती थी वहां पर बैट्समैन को एक जीवनदान मिला है, किस्मत का साथ मिला है। ओवर की हुई है समाप्ति, टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई क्रिशा 11 चिरनेरी टीम का स्कोर हुआ एक ओवर के खेल के बाद 7-2। सात रन टोटल स्कोर है एक ओवर के बाद। चंद्रकांत पालकर आप दिखते हमारे साथ स्कोरिंग करते हुए, कांचन पालकर एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का स्कोरिंग की भूमिका में, जो हमेशा से जिन्होंने बिग बैश जैसे दिल्ली में जाकर स्कोरिंग की भूमिका था कि उनके बड़े भाई आप दिखते हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़े हुए। कांचन पालकर उप सरपंच के वाले गाँव के, गोविंदा पाटिल अब आए बॉलिंग मार्ग पर, मैन ऑफ द सीरीज जिनको मिला था खासतौर पर खानों के मैदान पर, और एक बड़ी खुशी की लहर 2023 के इस साल के अंत तक उनके परिवार के लिए, उनके लिए और खासतौर पर कोहली कोपर गांव के लिए। सीरीज में बाइक जिनको मिला और आज भी उसी दमदार प्रदर्शन के इरादे से उतरे होंगे नो डाउट। पहली बॉल स्लॉट में बॉल थी, बिल्कुल आसानी से इस गेंद को खेला है, लेकिन पहले ही नियम बताया गया था संदेश जी शेल के द्वारा कि अगर जो लेग साइड की तरफ जो आप देख सकते झाड़ नजर आ रही है उस पर अगर पत्तों पर डाल पर अगर बॉल लगती है तो रन दौड़कर पूरा करना होगा। पहले ही हर मैच में कप्तानों को जानकारी दी जा रही है हमारे एक आईक वीरा इवेंट्स के संदेश जी शेल के माध्यम से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर, अब यश के पास स्ट्राइक है, रूशी ने स्ट्राइक रोटेट किया है, गोविंदा पाटिल लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार बैक ऑफ द लेंथ का इस्तेमाल किया, हवा में बॉल है, क्या कैच पकड़ा जाएगा, थोड़ा सा आगे गेंद गिरा मेरे ख्याल से, वहां पर प्रथमेश एक बार फिर थोड़े से इन एक्शन नजर आ रहे, मिड विकेट पे तैनात है गेंद को फील्ड करने के लिए, सिंगल से सिर्फ एक ही रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 9 पर। पहले ओवर में 7 रन आए, अमोल पाटिल ने एक तीखी शुरुआत दी, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 2 सफलता एक ही ओवर में, और एक अच्छा मौका दिया है गोविंदा को एक अच्छा स्पेल डालने का। ओ क्लीन बोल्ड अनदर विकेट, वाह कमाल की बॉल थी, स्टंप टू स्टंप लाइन अगर आप गेंदबाजी करते क्रिकेट के मैदान पर तो निश्चित तौर पर अगर एक भी गेंद थोड़ी सी इधर उधर होती है स्टंप पर जा टकराती है, और इस बार गोविंदा पाटिल ने कहा बैट्समैन को यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, वही हुआ है विकेट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, डांडी गुल किया है रूशी का यहां पर, इस बॉल पर स्विच हिट करने का प्रयास था, ने गेंद और निगाहें का बिल्कुल संपर्क नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नजर नहीं आया स्ट्रोक में, और नतीजा देखिए एक और झटका लगा है 9 के स्कोर पर चिरने टीम को। स्लो मोशन में आप देख सकते हैं 4K क्लैरिटी के साथ आई क्विरा इवेंट्स टीम का एक कैमरामैन वर्क, ऑफ स्टम्प ऑलमोस्ट लेग स्टम्प था ये जिसके हिसाब से बेल्स गिरा। ये भी देखना क्या ऊंचाई तो है लंबाई कैसी है, प्रथमेश बॉल के नीचे थोड़ा सा जजमेंट खराब और गेंद के पीछे अब दौड़ रहे, देखना बाउंड्री बचा पाएंगे नहीं रोक पाए इस गेंद को, जहां ऐसा एक समय पर लगा ये कैच होगा थोड़ा सा जजमेंट खराब, उसके बाद ये 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्रिशा 11 चिरने टीम का, ये किस्मत वाला चौका था, इतना कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक नहीं था लेकिन फिर भी 4 रन मिले टीम को कुणाल के बैट से ये 4, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 आफ्टर लूजिंग 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर संख्या है 13 पर। फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा अच्छा करना होगा कोहली को पर टीम को, क्योंकि ये मैदान थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखते उतार चढ़ाव जैसा एरियाज है इस पिच पर, इस बार देखने वाला है क्या कैच होगा, क्या देखने लायक होगा जरूर। ओ लीजिए
देखिए आपको कैच तक जाना होता है, कैच आपके पास कभी नहीं आता, कैच की तरफ आपको जाना होगा। वहां पर शॉट फाइनल के जो खिलाड़ी थे उनको लगा बॉल आराम से मेरी तरफ आएगी, जी नहीं, आपको बॉल तक पहुंचना होगा। अमोल पाटिल से सीखने वाली चीज होगी, सीखिए उनसे किस प्रकार कैचेस पकड़े जाते हैं। पहले ओवर में दो अच्छे कैचेस पकड़े गए, देखिए फील्डर को ऐसा लगा मेरे ख्याल से अमर पवार आते तो पकड़ लेते कैच को। इस बार कट करने का प्रयास था, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा बॉल रहा पड़ने के बाद। ओवर की हुई समाप्ति, ये भी अच्छा ओवर गुजरा है। पहले ओवर में भी 7 रन, इस ओवर में भी गोविंदा पाटिल के ओवर में केवल 7 रन, उनको भी एक सफलता मिला। दो ओवर के खेल के बाद 14-3 है कृष्णा 11 चेन्नई टीम। एक बार फिर रिप्ले में वो कैच दिखाया जा रहा जो ड्रॉप हुआ है, अमर पवार शायद पहुंचते तो आराम से इस कैच को पकड़ लेते थे। हे प्रभु हे राम, वैसा दृश्य मैदान के अंदर देखने को मिला। 14-3 आफ्टर टू ओवर। आदरणीय सम्माननीय चंद्रकांत जी पिंगले साहेब, कोपर गाँव के ग्राम पंचायत सदस्य, यांचं आगमन झालेलं आहे, यांना विनंती असेल प्लीज दादा मंचावर या, सुस्वागतम वेलकम। चंद्रकांत जी पिंगले साहेब यांना विनंती असेल प्लीज मंचावर या, कोपर गावचे ग्राम पंचायत सदस्य। ज्ञानेश्वर जी उसाटकर साहेबांना विनंती असेल त्यांना पण मंचावर या, सुस्वागतम वेलकम। कट करने की कोशिश थी, इस बार बॉल गया जाता हुआ यहाँ पर स्वीपर कवर की रीजन में नो मैच लैंड में बॉल गिरा, वहां पर खिलाड़ी डीप में तैनात है, गेंद को फील्ड करने के लिए तेज गति से आते हुए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, एफर्ट की कोई कमी नहीं। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई 15-15, बैट बदला जा रहा है। देखिए यहां से बैट ही बदलने से काम चलने वाला नहीं, चिरने के लिए सोच बदलनी होगी, अब रन बनाने होंगे, क्योंकि 5 ओवर में आप 30-35 रन बनाकर ये मुकाबला जीत नहीं सकते। अगर जीतना है तो फिर सोच देवरिंग जैसी रखनी होगी, जब उन्होंने कल किया था, जो हमें जानकारी संदेश जी छेलके ने दिया है, बॉलिंग आपकी वैसी होनी चाहिए, फिर स्कोर लो स्कोरिंग डिफेंड करने के लिए रन बनाने होंगे। ये बॉल डाउन द लेग और अच्छी फील्डिंग, एफर्ट लाजवाब, अमर पवार एक बार फिर इन एक्शन नजर आया शॉट फाइनल के रीजन में, हालांकि वाइड जरूर है। 2 वाइड रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 17-17। इस बार गति थी लेकिन दिशा खराब और दुर्गति हुई, 2 एक्स्ट्रा रन चिरनेर के खाते में। ये एक्स्ट्रा रन चाहिए चिरनेर को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इस बार रैकेट वाला शॉट लगाया था जिस प्रकार टेनिस में लगाते, लेकिन हवा में गेंद के नीचे प्रतुल पाटिल गेंद के नीचे आया, वहां पर मिड विकेट के रीजन में उन्होंने कैच को पकड़ा, एक और झटका लगता हुआ यहां पर। एक्शन रिप्ले में देखिए, काफी पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर था, इसको रैकेट की तरह खेलना चाह रहे थे, गेंद को पुल करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद प्रतुल पाटिल की एक वेल जज कैच मिड विकेट के रीजन में, 28 नंबर की जर्सी में जो फील्ड कर रहे गेंद को। एक और झटका, कुणाल आउट, 6 रन बनाकर चौथा झटका लगता हुआ 17 रन के स्कोर पर चिरने टीम को। राकेश कप्तान अब मैदान के अंदर जाते हुए, अब कप्तान आया नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। टीम की स्थिति बिल्कुल थोड़ी सी नाजुक स्थिति है, लेकिन यहां से भी अगर 20-25 रन जोड़ लेती है टीम चिरने तो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए काफी कुछ होगा उनको इस मैच में। 17 रन बने, प्रोजेक्टिव स्कोर की तरफ नजर डाले तो यहां पर आईक्यूरा इवेंट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है 33 रन बनेंगे 5 ओवर में इस तरह बैटिंग रही तो। ओ हाथ लगा, इनके पास ताकत है और ये देकर जाएगा फाइनल के रीजन में 4 रन। अपील किस प्रकार की वहां पर विकेट कीपर ने समझ नहीं आया, देखिए शरीर के भाग से लगा है, गेंद गई है सामने बाउंड्री की तरफ तो रन लेग बाई भी मिलेंगे, 4 तो मिलने कंफर्म है, बैट से रन है, यस बिल्कुल 57 सर का इशारा, ये बैट से ही रन था क्योंकि ताकत काफी है, ताकत में खिलाड़ी हैं बल्लेबाज राकेश। आते ही 400 के स्ट्राइक रेट से अपना खाता खोला उन्होंने, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21-21 पर। थोड़े समय बाद बाउंड्री आया टीम के लिए, चिरने टीम के लिए वापसी करनी होगी, रन बनाने होंगे उनको। 21-4 अब स्थिति, अमोल की अगली बॉल, ये बढ़िया बाउंसर बैक ऑफ द लेंथ का इस्तेमाल किया इस बार अमोल ने, थोड़ा सा गति भी जनरेट हुआ इस गेंद पे टप्पा खाने के बाद। बाकी गांव के विकेट कीपर के पोजीशन पे, वहां पर विकेट कीपर तैनात समाधान पाटिल गेंद को फील्ड करते हुए।
चार गेंदे डाल चुके हैं अमोल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेंदे डालने पड़ रही है उनको क्योंकि इस ओवर में ऑलरेडी वाइड भी उन्होंने खर्च किया था। ओवर द विकेट दायां से इस बार सामने खेला, ओवर द बॉलर हेड बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके लाते हुए बढ़िया फील्डिंग। एक रन राकेश ने कंप्लीट किया, सिर्फ सिंगल मिलेगा उनको। अमोल के दो ओवर की ऑलमोस्ट समाप्ति होने वाली है, 1.5 गेंदे उन्होंने डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं 3 विकेट इकोनॉमी रेट 8.18 का, 7 गेंदे डॉट डाला उन्होंने, दो ओवर के स्पेल में 60 डॉट बॉल डालना कहीं ना कहीं एक बड़ी कीर्तिमान। स्वीप करने का प्रयास था थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन जाकर, लेकिन गेंद बिल्कुल तेज तरार थी। गजब का स्पेल रहा है अमोल पाटिल का, एक अच्छा ओवर गुजरा, एक और 15 रन खर्च किए अपने दो ओवर के स्पेल में जिसमें 3 सफलता उनके खाते में। वेल बोल अमोल पाटिल। और 3 ओवर के खेल के बाद कृष्णा 11 चीरने टीम का स्कोर है 22 रन, 22 रन आफ्टर 3 ओवर, 3 ओवर के खेल के बाद 22 रन। करंट रन रेट 7 का चल रहा है, प्रोजेक्टिव स्कोर देख सकते हैं 36 का। आई एक वीरा इवेंट टीम की बात करें, विद इन 1 मंथ इन्होंने 8,500 सब्सक्राइबर पूरा किया है। जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने भी कल खुद सब्सक्राइब किया इनको। और आप देख सकते हैं 4K क्लैरिटी के साथ आप घर बैठे बैठे स्मार्ट LED टीवी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल फोन और लैपटॉप पे आप मैच एंजॉय कर सकते हैं। 3 ओवर के खेल के बाद चेन्नई टीम का स्कोर है 22-22। मयूर पाटिल अब आए बॉलिंग मोर्चे पर, सामने राकेश है, कप्तानी पारी खेलनी होगी उनको। अब तक देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 पर खेल रहे, आप देख रहे हैं स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2023। पहली गेंद ओवर द विकेट दायां से, लॉक स्वीप करने का प्रयास था, स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेला, मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए वन हैंडेड थ्रो करना चाह रहे थे, इस बार अमोल फंबल हुए वहां पर जिसकी वजह से राकेश ने 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट राकेश और यश के द्वारा। चिंता अगर कोई है चेन्नई टीम के लिए यश की बल्लेबाजी, अब तक 5 गेंदे उन्होंने खेली है, 1 रन बनाए, लेकिन इस आंकड़े को अगर बदल सकते हैं अगर 2 सिक्स लगाकर जब उनको स्ट्राइक मिलेगा, देखना आप उनको स्ट्राइक कब मिलता है। मयूर पाटिल अगली बॉल लेकर फुल टॉस गेंद, इसे फ्लिक किया है, गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप फाइन लेकिन रीजन में बैकवर्ड स्क्वायर लेकर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने के लिए आते हुए फंबल हुए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं सिर्फ 1 रन। अब स्ट्राइक है यश के पास जो अब तक 1 ही रन बनाए हैं 5 गेंदों में, स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बदलना होगा इनको। अगर स्ट्राइक रेट इनका बदलता है तो टीम के रनों में इजाफा होगा। टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 25 पर, ये 4th ओवर चल रहा है, 5 ओवर का ये मुकाबला आज के दिन का 2nd राउंड का 2रा मैच चलता हुआ। इस बार हवा में गेंद गया है और नो बॉल का कॉल आया अंपायर का, नो बॉल का कॉल है। और प्रतुल पाटिल को देखिए उनका जजमेंट और कितने एक्टिव नजर आए वहां पर, ओवर स्टेप कर बैठे यहां पर मयूर पाटिल। और कैमरामैन वर्क अब देखना होगा यहां पर किस प्रकार, कितना उनका जो आगे का पैर है पॉपिंग क्रीज के बाहर लैंड हुआ है। सही निर्णय अंपायर द्वारा। हरिचंद्र जी फड़के द्वारा बढ़िया डिसीजन। इस बार गेंद को खोद के निकाला है, गैप में खेलेगा प्रयास था प्रतुल पाटिल की भरपूर कोशिश, लेकिन बुलेट की तरह शॉट गया था सुप करके। 4 रन मिलेंगे लॉन्ग ऑन के रीजन में। राकेश के पास ताकत है, इनके पास काबिलियत है रन बनाने के लिए, टीम के लिए कप्तान है, कप्तानी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं यहां पर कि तू मेहनत करता चला जा, भाग्य तेरा अपने आप बदलता चला जा गया। मेहनत करना पड़ेगा यहां पर चेन्नई टीम को, उसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। 12 रन पर खेल रहे राकेश, 6 गेंदे उन्होंने फेस किए और इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कृष्णा 11 चेन्नई का 31 आफ्टर लूजिंग 4 विकेट। आउटसाइड ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के हल्की सी काफी बाहर गेंद थी, वाइड यॉर्कर करना चाह रहे थे लेकिन वाइड डाल बैठे मयूर पाटिल। पिछली बॉल जो चौका आया फ्री हिट की बॉल थी और फ्री हिट की बॉल पे 4 रन बटोरे वहां पर राकेश ने। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई अब जा पहुंचा है 32 पर 32। अब रन आ रहे हैं यहां पर चेन्नई टीम के लिए, रन बन रहे हैं। अब इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 10 रन आ चुके। इस बार ओवर द कवर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद प्रथमेश और देखा जाए गोविंदा के बीच में बॉल गिरा है कवर के नो मैन्स लैंड में। इस बीच 2 रन अर्जित जरूर होता क्षेत्ररक्षक आहेत तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं। अजून एक सिंगल डबलला जरी प्राधान्य दिलं ना कोपर टीमनं तरी हा सामना जिंकू शकता आणि ती रणनीती करत राखली अमर पवार आणि फलंदाज
प्रथमेश पाटिलला सिंगल डबलला प्राधान्य दिले जात आहे, संयम ठेवला, शांत दिमागाने खेळ करतोय, कारण की विचार केला तीन फलंदाज बाद झाले आणि इथे विकेट गमवायचा प्रयत्न नाहीये सध्या मॅच मध्ये। नक्कीच आयर स्पोर्ट कोपर टीमचा समोर अमर पाटील, एक विस्फोटक खेळाडू अमर पवार। हो टॅपिंग क्रिकेट पुन्हा एकदा अलाउंड द कार्पेटचा फटका ऑफसाइडला खेळला, हलक्या त्यानं पुश केलं, पुश करो खुश रहो हे सध्या अमर करतोय मॅच मध्ये। एका धाबेला पुन्हा एकदा प्राधान्य, सिंगल डबलला प्राधान्य देत असताना सांघिक धावसंख्या धाव पुस्तकावरती 25 25 आकड्यावरती। शेवटचा अंतिम बॉल ऋषी, अगदी ऋषीचा षटक देखील खूप चांगला राहतोय महागणपती चिरणे टीमसाठी। फक्त तीन धावा ऋषीने खर्च केला। शेवटचा अंतिम बॉल समोर प्रथमेश पाटील ऑन फायर करत असताना अगदी ऑन साइडला चेंडू लॉक केलाय, सहा धावांसाठी अंतिम बॉल वरती मोहर लावली सहा धावांसाठी। आणि इथे मात्र तिसऱ्या षटकाच खेळ समाप्त झालं, तीन षटकांच्या अखेरीस पाटिंग करत असताना आया स्पोर्ट कोपर हा संघ जाऊन पोहोचला 31 या आकड्यावरती। लक्ष आपण पाहिलं ना, 41 धाब्यांचं लक्ष होतं, आता 12 बॉल आणि 10 धाब्यांची गरज, 12 बॉल 10 असमीकरण। चला स्पीडअप करा, कारण की अजून एक सामना आपल्याला कव्हर करायचा। बारा बॉल आणि आता 10 धावांची गरज, रिओ सिस्टम आता उपलब्ध असेल, दोन्ही टीम लक्ष असू द्या। तर हा चौथा षटक, गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती, निहार सेकंड स्पेल घेऊन आलाय, 5 सेकंड षटक भरपूर चांगलं राहिलं निहारचा, ज्या षटकामध्ये दोन फलंदाज दोन धक्के दिले आयन स्पोर्ट कोपर टीमला आणि फक्त 2 धाबा खर्च केला। आता त्याच गोलंदाजची पुनरुत्ती या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये करावी लागेल। उलटास बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न, फटका पसला, यष्टरक्षक फंबलिंग झाले आणि तोपर्यंत संधी साधली अमर पवारनं, सिंगलला दिलं प्राधान्य, एक धाव मिळेल कोपर टीमला। एका धाबेनं सांघिक धाबसंख्या फलकावरती आला, टोटल 32 धाबा, लक्ष 41 होतं, आता अवघ्या 9 धाब्यांची गरज आयन स्पोर्ट कोपर टीमला। 11 बॉल 9 समीकरण, एका साईडला क्रिश एलेबन महागणपती चिरनेर आणि त्याला फाईट करतो या मॅचमध्ये संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल आयन स्पोर्ट कोपर। गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा निहार, समोर फलंदाज प्रथमेश पाटील, हा फलंदाज सध्या इन ॲक्शन स्ट्राईकवरती। प्रार केला अप्रकारचा बॉल फुल केला, चांगला फटका एक्झिक्यूट केलाय, चेंडू जाईल फाईन रिझर्ववरती, फलंदाज प्रथमेश पाटील याच्या बॅटमधून येतोय चौकार, मिळाला 4 धावा कोपर टीमला आणि संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 36 आकड्यावरती। अवघ्या आता 5 धावांची गरज, अगदी मॅचला पूर्णपणे मॅचमध्ये पकड निर्माण केली कोपर टीमनं, 3 धक्के जरूर लागत, मात्र प्रथमेश पाटील आणि अमर पवार चांगले खेळ साकारतोय। स्विच इट करण्याचा प्रयत्न, यू मिस आय विल डेफिनेटली फर्निचर डिस्ट्रॉय, हा धक्का क्रमांक 14 बॅटिंग करत असताना आयन स्पोर्ट कोपर टीमला, पकरतच सरळ बॅट धाबा येत होत्या प्रथमेश पाटीलच्या बॅटमधून, अशा स्थितीमध्ये एक धाडसी निर्णय घेतला सचिन, आडवा बॅट न खेळण्याचा प्रयत्न केला, तेवढी धारदार गोलंदाजी निहाची पाहिली आणि अगदी फर्निचर डिस्ट्रॉय केले, 14 धक्का कोपर टीमला। छत्तीस धाबा धाव पुस्तकावरती, 14 धक्का आयन स्पोर्ट कोपर टीमला। प्रथमेश पाटील जी विकेट मैदानातून बाहेर झाली, मैदानाच्या आतमध्ये इन होतोय न्यू बॅट्समन अमोल पाटील। अजूनही धाबांचा विचार केला तर 5 धाबांची अजूनही गरज या मॅचमध्ये कोपर टीमला। बॉलिंग ट्रॅकवरती निहारला पाहता, संदीपदादा आपण विचार केला, निहारनं दमदार गोलंदाजी केली, सेकंड स्पेल फक्त 7 धाबा खर्च केला, मात्र 3 धक्के देखील दिलेत कोपर टीमला। पुढचा बॉल समोर फलंदाज अमोल पाटील, हा फलंदाज पाहायला मिळेल, बॉलिंग अगदी दमदार राहिली अमोल पाटीलची, आता 5 धाबींची गरज, हलक्या त्यानं पुश केलं, संयम शांत दिमाग ठेवलं,
अमोल पाटीलला हलक्यात आणि पुश केलं, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, थोडंसं फंबलिंग झाले आणि तोपर्यंत दोन धावा कंप्लीट। तर 39 39 धावा धाव पुस्तकावरती, आता अवघ्या दोन धाबींची गरज, बॉल शिल्लक असेल 8 बॉल 2। समोर फलंदाज अमर पवार, हा फलंदाज स्ट्राइक एंडवरती बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज निहार, चांगली गोलंदाजी साकारली, मात्र पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या धाबा खूप काही सांगून गेल्या महागणपती चिरणे टीमला। या बॉलवरती प्रहार केला अमर पवारनं आणि ठोकला ब्रँडेड षटकार, मॅच देखील फिनिश होते, हा सामना जिंकतो आयन स्पोर्ट कोपर संघ, हार्ड लक महागणपती चिरनेर। आपण या प्रतिस्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलं तुमचा मी मनापासून आभार व्यक्त करू। या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो टॉससाठी पुढची मॅच एका साईडला सुरुंगपाडा आणि त्याला फाईट करेल खरं तर आयन स्पोर्ट कोपर, अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही टीमचे संघ नाही का आपण टॉससाठी या, तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय ज्यानं अगदी चांगली गोलंदाजी साकारली, सेकंड दोन स्पेल भेटले ज्याच्यामध्ये खरं तर तीन फलंदाजांना बाद केलं, अमोल पाटील ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो। कम ऑन द स्टेज अमोल कलेटीवर मॅन ऑफ द ट्रॉफी। टॉससाठी देखील आयन स्पोर्ट कोपर टीमचा संघ नाईक, चला प्रथमच स्पीडअप करा, टॉस होईल, पुढची लढत द्वितीय फेरी।